पंडित जी का प्रवचन होगा शाम जी से। नमो अरिहंत, नमो सीतानं, नमो आयरिहानं, नमो वच्छायानं, नमो लोये सौसाहुनं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनं, येनं जयतु शासनं। अष्टपाहुड़ महामंडल विधान और वार्षिक महोत्सव का ये मंगलमय प्रसंग है। भगवान कुंदकुंद आचार्य देव की अद्भुत कृति अष्टपाहुड़ की एक एक गाथाओं को माध्यम बनाकर उस गाथा का भाव समझते हुए अपन अभी अर्घ समर्पित कर रहे थे। बोध पौड़ में प्रवज्जा का स्वरूप कितने सुंदर तरीके से अभी आया, ये आप और हम सबने देखा है। एक एक गाथा को पढ़कर, एक एक गाथा का भाव सुनते हुए समझते हुए वीतरागी संतों की सूरवीर दशा का सहज स्मरण होता है। कैसे होते हमारे मुनिराज कि जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। अभी आया था ना, वन जंगल में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, कितनी गजब की बात के कितना कितने निर्भय होते हैं। देखो भाई, जो हम अपने को संयोगों की दृष्टि से देखते हैं और वैसी ही कल्पना हम मुनिराजों के संबंध में कर बैठते हैं और अपने मिथ्यात्व को बढ़ाते रहते हैं। हम अपने को संयोगों से सुखी दुखी मानते हैं। अभी थोड़ी सी सर्दी कम है तो ठीक है, सभी मस्त हैं। अभी थोड़ी सर्दी ज्यादा होने लगे तो क्या होगा, क्या होगा, ऊपर से नीचे तक पैक होके आएंगे अपन लोग। और जब हम मुनिराज के शरीर पर वस्त्र का धागा भी नहीं देखते तो अपने को लगता है अरे रे रे, अपन लोग ऐसी सर्दी में इतने इतने कपड़े पहन करके बैठे और बेचारे मुनिराज। भाई अभी मुनि दशा का मूल्यांकन करना ही नहीं आया। सच में दुख सर्दी का नहीं है, दुख है कसाई का और दुख है मिथ्यात्व का। तो जिनके जीवन में से मिथ्यात्व के साथ साथ तीन कसाई चौकड़ियां विदा ले चुकी हो, है ना, संजलन कसाई तो नाम मात्र की कसाई है, उस कसाई में कोई ज्यादा दम नहीं है। जैसे शास्त्र में संजलन कसाई का क्या उदाहरण दिया कि पानी में खींची हुई लकीर, तो पानी बहता हुआ पानी है, उसमें आप लकीर खींचो यूं करके तो कितनी देर टिकेगी वो, उस कसाई का कोई दम नहीं है उस कसाई। तो इतनी इतनी कसाईयों का जिनका अभाव हो चुका, वे मुनिराज तो उस कसाई के अभाव में उत्पन्न वीतरागी आनंद के ही भोक्ता होते हैं।
जगत के जीवों को देखता है कि मुनिराज आहार कर रहे हैं, और प्रवचन सार कहता है कि मुनिराज तो आहार करते हुए भी निराहारी हैं, क्योंकि आहार को वे अपना स्वरूप नहीं मानते। युक्त आहारी के का विवेचन आया है। हम पढ़े वास्तव में जिनवाणी को और अपने गज से मुनिराज को नहीं नापे, क्योंकि अपना गज मुनिराज के नापने में काम नहीं आता। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे कि एक बालक और उसके पिताजी दो थे, तो पिताजी के कपड़े का व्यवसाय था। ये मीटर लीटर वगैरह तो अभी चले हैं, पुराने जमाने के लोग जो भी अभी बैठे होंगे उनको पता होगा कि पहले हाथ से नाप करके कपड़ा देते थे, है ना। पिताजी अपने बेटे को शिक्षा देते, बेटा कैसी भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आवे, लेकिन कभी असत्य का सहारा मत लेना, कभी किसी के साथ छल कपट मत करना। बात ठीक। अब पिताजी एक दिन कपड़ा लेकर के आए, कपड़े का थान लेकर के आए। उन्होंने कहा क्या, उनकी लड़के की मम्मी ने पूछा कितना है ये, उन्होंने कहा कि 100 हाथ है, 100 हाथ कपड़ा है। अब लड़का नापने लगा उस कपड़े को अपने हाथ से, कितना हाथ हुआ, 125 हाथ हो गया। वो कहा पिताजी दूसरों को उपदेश और खुद वही काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। आपने कहा था किसी को छल कपट किसी के साथ मत करना, किसी के साथ दगा मत करना, कभी झूठ मत बोलना। आप कह रहे हो मैं 100 मीटर कपड़ा लाया हूं, आप उस आदमी को ठग कर आए हो, क्योंकि ये तो 125 मीटर कपड़ा है। तब पिताजी ने कहा बेटा हमारे व्यापार के लेन देन में उसके माप में तेरे हाथ का गज काम नहीं आता, उसमें हमारे ही हाथ का गज काम आएगा, है ना। इसी तरह इन ज्ञानी धर्मात्माओं की अंतर परिणति को मापने के लिए ज्ञानी धर्मात्माओं का ही गज काम आएगा, अज्ञानी का गज उसमें रंच मात्र भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अज्ञानी के पास वो गज नहीं है जिससे वो ज्ञानी की अंतर परिणति को नाप सके। क्यों, क्योंकि बहुत से ज्ञानी आपको ऐसे दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे कि साहब वो तो युद्ध कर रहे थे काय के लिए, कि छोटे से राज्य के टुकड़े के लिए, कि तुम हमें नहीं दो आधा राज्य, अरे 5 गांव तो दे दो, हम 5 आदमी हैं पांडव का कौरव पांडव। कि साहब आप एक तरफ तो कहते हो कि ज्ञानी ये मानते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। सोचना जरा, आप अपन लोगों की कल्पनाएं कैसी चलती है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि ज्ञानी ये मानते हैं कि परमाणु मात्र मेरा नहीं, और 5 गांव के राज के लिए लाखों लोगों का संहार कर दिया। हम संयोगों से नापेंगे, बात 5 गांव की नहीं थी, बात अन्याय के सामने सिर झुकाने की थी। वो लड़ाई 5 गांव के लिए नहीं थी, वो लड़ाई ये इस बात के लिए थी कि अन्याय के सामने हमारा सिर नहीं झुकेगा, और अन्याय के सामने यदि हमें तलवार भी उठानी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं रहेंगे। ये उस बात की बात थी। अब उस अभिप्राय को हम नहीं समझे, अरे साहब 5 गांव के लिए लड़ रहे थे, और भाई भाई थे, परिवार परिवार वाले थे, अरे इतना क्या मोह। हम फटाक से क्या कहते, इतना क्या मोह। कहते भैया उन 5 ज्ञानियों ने 3 ने मोक्ष जाकर के अपना ज्ञानी बना, और 2 ने सर्वार सिद्धि जाकर के अपना ज्ञानी बना प्रमाणित कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने गज से जो अपने नापने की आदत है, अगर वो ज्ञानी अपना ज्ञानी बना स्वयं प्रमाणित नहीं करते तो अपने को तो जबान चलाने में टाइम नहीं लगता। अरे काय के ज्ञानी है, बहुत देखिए ऐसे ज्ञानी है ना। तो इस तरह अपने गज से कभी भी किसी ज्ञानी की अंतर परिणति को नापना नहीं, क्योंकि अपने पास वो गज है ही नहीं,
अपने पास तो संयोग का गज है, संयोगी दृष्टि का गज है, और अपन उसी आधार पर मुनिराज को नापते हैं। अरे साहब अकेले कैसे रहते होंगे, अगर हमसे तो कोई आधे घंटे अगर घर में हम चुपचाप बैठे और बात नहीं करे, आधे घंटे आप चुपचाप बैठना अपने घर में आधे घंटे, वो कहेगा भाई सब क्या हो गया, कोई टेंशन है क्या, है? नहीं होता, प्रयोग करके देख लेगा। तो जो आधे घंटे शांति से चुपचाप नहीं बैठता अनंत काल तक सिद्धालय में क्या करेगा जाके वो। तो अपन क्या नापते हैं भाई साहब, अगर हमसे तो कोई बात करने वाला नहीं हो, कोई बोलने वाला नहीं हो तो घर काटने को दौड़ता है। मुनिराज के पास तो कोई बोलने वाला होता ही नहीं जंगल में, एकाकी आत्म साधना करते हैं, उनको कैसा लगता होगा कि अरे अनंत काल तक सिद्धालय में अकेले रहना है, ये उसकी रिहर्सल चल रही है। क्यों? क्योंकि संग कौन चाहता है, कौन चाहता है संग है? संग वो चाहता है जिसे बंधना है, जिसे छूटना है, वो संग चाहेगा या संग से विरक्ति चाहेगा, आया ना? ऐसी अद्भुत दशा, एक एक गाथा पढ़ो आप, एक एक गाथा की मतलब अमृत है वास्तव में। अपनी चर्चा चल रही थी दर्शन पाउड पर, और दर्शन पाउड का बहुत सुंदर, देखो आठ दिन में आठ मतलब छह दिन में आठ पाउड तो मैं नहीं पूरा कर सकता, इसलिए पूजा के माध्यम से आठ पाउड की आप स्वाध्याय करो, और अपनी स्वाध्याय के माध्यम से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कि जिन बिंदुओं को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें दर्शन पाउड़ की भी गाथाएं भी आएंगी, आगे और पाउड़ों की भी जो मुख्य मुख्य गाथाएं हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा कल अपनी आई थी, दंशन भट्टा भट्टा, दंशन भट्टस्य नत्थि निर्वाणम्, कितनी गजब की चर्चा है ये, कि दर्शन से जो भ्रष्ट है, दंशन भट्टा भट्टा, आगे कहेंगे कि जो स्वयं तो दर्शन से भ्रष्ट है और दर्शन धारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहता है, अगले भव में वो लूला और गूंगा होता है। मतलब आचार्य भगवान ने बहुत साफ भाषा में बात कही है, लूला और गूंगा होता है। गूंगा होता है का मतलब क्या होता है निलेश जी, क्या होता है? उसको जीभ नहीं मिलती है, और जिसको जीभ नहीं मिलती है वो कितने इंद्रिय होता है, कितने इंद्रिय होता है बोलो, जीभ मिलना माने दो इंद्रिय, तो कितना इंद्रिय हुआ वो? एक इंद्रिय हुआ। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, उसके त्रस पर्याय की स्थिति का काल पूरा होने को आया है। एक बात ये तो उनकी ओर से कही कि जो स्वयं दर्शन से भ्रष्ट है और दर्शनधारियों को, तो हमारे बहुत से लोग तर्क करते हैं कि साहब अपने को सम्य दर्शन तो है ही नहीं, तो अपने लिए तो नहीं है ना ये नियम लागू, अपन तो किसी के भी पैर पड़ सकते कि सम्यक दर्शन नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं बोलो, कि अगर सम्यक दर्शन चाहिए तो जो काम सम्यक दृष्टि अपनी गर्दन कटने की कीमत पर भी नहीं करता, वो काम जिसे सम्यक दर्शन चाहिए उसे भी अपनी गर्दन की कीमत पर भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गर्दन की कीमत पर भी वो काम किया तो भाई साहब गर्दन तो अगले भाव में फिर मिलने वाली ही नहीं है। गर्दन का मतलब समझे ना, रसना ग्राण चक्षु कर्ण इंद्री, ये गर्दन के ऊपर है, बाकी बचा सोई मिलने वाला है। मैं नहीं कहता हूं, ये आचार्य कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो जानते हुए भी लज्जा से गौरव से लोभ से भय से आशा से स्नेह से ऐसे दर्शनहीन
के चरणों में पड़ते हैं वे भी उन जैसे ही होते हैं। ये शब्द है आचार्य कुंद कुंद के इस दर्शन पाहुड़ में। देखो भैया, हमें दुनिया को सुधारने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन हम ना बिगड़े इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे पर है। दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करना, क्योंकि दुनिया को सुधारने की यदि कोशिश करोगे दुनिया तो सुधरेगी नहीं, लेकिन अपना बिगाड़ जरूर हम कर देंगे, है ना। लेकिन दुनिया नहीं सुधर रही है या दुनिया विपरीत प्रवाह में जा रही है, अब क्या करें साहब, सभी कुओं में भांग पड़ी है, तो हम क्या करें कि हम भी भांग वाला ही पानी पी लें? ये कौन सा तरीका हुआ? अरे प्यासे मरते हो तो मर जाएं, लेकिन भांग वाला पानी तो नहीं पिएंगे, सारे कुओं में पड़ी तो हम क्या करें उसमें, है ना। बहुत जिम्मेदारी है इस शासन को टिकाने की अपनी परिणति में। देखो बहुमत तो हमेशा अज्ञानियों का रहेगा, क्यों रहेगा, शास्त्र कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। 6 महीना 8 समय में कितने जीव सिद्ध पद पाते हैं सबको पता है ना, 608 जीव पाते हैं, मैंने लिमिटेड संख्या, अंगुलियों पर गिनने लायक संख्या है, 608 जीव मोक्ष जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 6 महीने 8 समय में निगोद कितने जीव जाते हैं? 608 ही जाते हैं निगोद है? संख्या नहीं है आपके पास, केवल ही भगवान बता सकते हैं, वो भी कहेंगे अनंत जाते हैं, उनको भी संख्या वो भी नहीं कह पाएंगे, वो भी यही कहेंगे अनंत जाते हैं। भाई साहब, मैं तो दूसरी तरह से इस बात को कहता हूं कि सिद्ध भगवान में और निगोदिया में कंपटीशन कराओ, माने दोनों को चुनाव लड़ाओ, क्या करो, दोनों को चुनाव लड़ाओ। भाई साहब, निगोदिया जीतेगा, क्योंकि निगोदिया ये कहता है कि 3 काल के जितने सिद्ध है ना, उससे अनंत गुणे जीव तो एक निगोद शरीर में है, तुम कितनी ही उदम मचाओ, लेकिन अनंत काल में भी एक निगोद का शरीर खाली नहीं कर पाओगे, तो क्या करें फिर, कि बहुमत के साथ हो जाना। अरे भाई साहब, भले ही निगोद का शरीर खाली नहीं हो पावे, लेकिन निगोद के खिलाफ हमने विद्रोह तो किया, अब हम नहीं भटकेंगे संसार में, क्यों नहीं भटकेंगे, अब हमें अपनी खबर हो गई है ना। बहुमत का धर्म नहीं है, सत्यता का धर्म है। आंकलन गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे, इंदौर में जवाहरात की दुकानें कितनी होंगी आपको ही पता नहीं, तो मुझे तो कहां से पता होगा कितनी होगी, अंदाजे से 2-4, हाँ 2-4, चलो 6 मान लेते, 2 और 4 6, और कोयले की दुकानें कितनी होंगी, किराने की दुकानें कितनी होंगी, हैं, आ गया कि नहीं आ गया। भाई सत्य को संख्या की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को सत्य की आवश्यकता होती है। असत्य का समर्थन विपरीत, देखो विपरीतता वो तो मिथ्या दर्शन है ही, लेकिन विपरीतता का अनुमोदन वो भी मिथ्या दर्शन का अनुमोदन होने से मिथ्या दर्शन होता है। यहां जो गाथा चल रही है इसमें यह बात कही कि दंशन भट्टा भट्टा कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, उसको तो कभी निर्वाण होगा नहीं, दंशन भट्टस्य नत्थि निर्वाणम, कभी मोक्ष नहीं होगा। अब दूसरा जीव लिया, इसकी चर्चा आपने कल चली थी, सिज्जन्ति चरिय भट्टा, सिज्जन्ति माने मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, कौन, कि जिनने दर्शन को सुरक्षित है, लेकिन जो चारित्र भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट की मैंने 2 बात कल कही थी आपके सामने, थोड़ी उसकी चर्चा करता हूं।
नहीं नहीं माघ नंदी वगैरह तो अभी वो कल गया वो प्रकरण। अभी चारित्र वृष्ट में दो तरह से चारित्र, एक तो वो कि जिनको सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया, स्वरूपाचरण चारित्र की योग्य स्थिति भी प्रकट हो गई, लेकिन उससे आगे की भूमिका का चारित्र अभी प्रकट नहीं हुआ। ज्ञानी कहते हैं कि हम सम्यक दर्शन से सही तो होने पर भी अभी हमारे जीवन में चारित्र नहीं है। चारित्र नहीं है इस बात की प्रसन्नता होती है कि खेद होता है ना, लिखा ना, संयम धरन सके पे संयम धारण की उर चटाचटी। अरे जिसके जीवन में संयम धारण करने की चटाचटी नहीं हो तो वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। सम्यक दृष्टि के जीवन में संयम भले आवे के नहीं आवे, लेकिन संयम धारण करने की चटाचटी उनके जीवन में बनी रहती है। कब वो दशा आवे, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा? तो लोग फटाक से कहते हैं उसमें आने की क्या बात है, ये कपड़े उतारो आ गया अपूर्व अवसर। ऐसा नहीं होता। उस योग्य अंदर की तैयारी के बिना यदि बाहर में श्रावक का चोला और मुनि का चोला धारण कर लिया तो खाली चोले का नाम तो धर्म नहीं है ना भाई साहब। अकेले चोले का नाम थोड़ी धर्म है, उस चोले के योग्य अंदर की विशुद्धि भी तो चाहिए, और वो विशुद्धि मात्र वेश बदलने से नहीं आएगी। हमने कुर्ता पजामा पहनना छोड़ करके धोती और पछेवड़ी डाल ली तो हमारा गुणस्थान बढ़ गया, या हमने वस्त्र उतार दिए तो हमारा गुणस्थान बढ़ गया है ना। कि बाहर के वेशों से यदि गुणस्थान बढ़ता होता तो ये काम तो हम अनंत बार कर चुके हैं। अब तक तो हम गुणस्थानातीत सिद्ध दशा में पहुंच जाने चाहिए थे, है ना। अंदर की स्वभाव के आश्रय से जो विशुद्धि प्रकट होगी, शुद्धता प्रकट होगी, उस शुद्धता के बल पर चारित्र आएगा, और वो शुद्धता स्वभाव का उग्र आश्रय। जब तक उग्र आश्रय नहीं होता नहीं आती। तो जब तक वो उग्र आश्रय नहीं आता तो ज्ञानी को उग्र आश्रय की भावना होती है और अपनी इस कमजोर स्थिति का खेद वर्तता है। कभी भी अपनी चारित्रहीन दशा का, मन चारित्र से रहित दशा का ज्ञानी को अनुमोदन नहीं आता। ख्याल में आया? अगर अपनी चारित्रहीन दशा का अनुमोदन आ जाए तो फिर वो चरिय भ्रष्टा नहीं होगा, दर्शन भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई अभी, उसका खेद होने के बजाय उसका अनुमोदन आया, इसका मतलब तुम्हें चारित्र पसंद नहीं है। चारित्र पसंद नहीं है इसका मतलब संवर निर्जरा तत्व पसंद नहीं है। संवर निर्जरा तत्व पसंद नहीं है तो संवर निर्जरा तत्व जिस शुद्धात्मा के अवलंबन से प्रकट होता है वो शुद्धात्मा तुम्हें पसंद नहीं है, और जिसे शुद्धात्मा पसंद नहीं है वो चरित्र भ्रष्ट नहीं, वो दर्शन भ्रष्ट है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कदाचित कोई ज्ञानी है, मुनिराज हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, श्रावक हो सकते हैं, और उनको उनकी भूमिका में भी कदाचित कोई दोष लग जाए। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो भूमिका में विकृति पैदा करते हैं लेकिन भूमिका को नाश नहीं करते। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो भूमिका को नाश कर देते हैं। जैसे उत्तर गुणों की चर्चा करते हुए मूलाचार और पद्मनंदी पंचमींशी टीका में एक गाथा आई है। मुनिराज के जीवन की अपेक्षा से उन्होंने कथन किया है कि एक होते हैं मूल गुण और दूसरे होते हैं उत्तर गुण। मूल गुण माने अनिवार्य योग्यताएं। मूल गुण का मतलब क्या हुआ? अनिवार्य योग्यताएं जिसके बिना उस पद की कल्पना की ही नहीं जा सकती।
इसका नाम है मूल गुण। और उत्तर गुण माने यदि वे हों तो मूल गुण और अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया है ना। तो मूल गुणों में तो 28 मूल गुण होते हैं और उत्तर गुणों के अनेक प्रकार के भेद होते हैं, जैसे मासोपवास उपवास करना आदि बहुत सारे होते हैं। तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक बात कही कि कोई मूल गुणों का नाश करके उत्तर गुणों को टिकाने का प्रयत्न करता है तो उसका वो प्रयत्न कैसा है, तो उन्होंने कहा गर्दन को उड़ा करके अंगुली बचाने का प्रयत्न करता है। अरे भाई साहब, अगर अंगुली कटी तो कटी अंगुली वाले कहलाओगे, लेकिन गर्दन ही उड़ गई तो जिंदा भी नहीं कहलाओगे। मूल गुण की तुलना मस्तक से की है और उत्तर गुण की तुलना अंगुली से की है। आज हम जो मूल्यांकन करते हैं वो सब उत्तर गुणों के आधार पे करते हैं। ये बाहर के एक एक महीने के उपवास, दो दो महीने के उपवास, अरे इतना तो होता है, अरे ऐसा तो करता है, अरे भाई साहब ये सब व्यवस्थाएं उत्तर गुणों में जाती है। मूल गुण है कि नहीं है ये बताओ पहले। अगर मूल गुण नहीं है तो तुम 6-6 महीने के उपवास के उत्तर गुण पालन करके भी उस वेश के योग्य नहीं हो। और अगर आपके मूल गुण सुरक्षित हैं, ना हो जीवन में एक उपवास, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल गुणों की सुरक्षा माने मूल गुणों की बलि देकर उत्तर गुणों की सुरक्षा, अंगुली मस्तक की बलि देकर अंगुली को बचाने जैसा काम है, जैन दर्शन में वो स्वीकार नहीं। कदाचित तो दूसरे तरह से कि एक तो वो दोष कि जिसके जो हो गए भूमिका में विकृति आई लेकिन भूमिका से नीचे नहीं गिरे, तुरंत संभल गए। दूसरे वे दोष होते हैं कि जिससे भूमिका नष्ट हो जाती है, वो चरित्र भ्रष्ट कहलाता है। वो श्रावक भी हो सकता है, वो मुनि भी हो सकता है, और वो सम्य दृष्टि के योग्य भी कुछ ऐसी चीजें होती है, हो जाए। ध्यान देना कि चारित्र दोष वाला भ्रष्ट नहीं है ये नहीं कह रहे हैं। क्या कहा ध्यान से सुनना, सिज्जंति चरिय भट्टा, तो मतलब चारित्र भ्रष्ट को मुक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मान रहे हैं आचार्य यहां पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि दर्शन उसका सुरक्षित है और कदाचित चारित्र से भ्रष्ट हो गया तो वापस चारित्र की भूमिका में आने में अनंत काल नहीं लगेगा। उसी भाव में अगले भाव में बहुत अति अल्प काल में वापस चारित्र की आराधना करके वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, जिसका मैंने उदाहरण दिया था विष्णु कुमार मुनिराज, माघनंदी मुनिराज, ये सारे उदाहरण दिए थे। तो साहब सिज्जंती माने ये सर्टिफिकेट नहीं है मोक्ष का, वो भी चारित्र से भ्रष्ट तो है लेकिन इतना भ्रष्ट नहीं है कि उसकी मुक्ति रुक जाए। तो चारित्र भ्रष्ट रहते रहते मुक्ति हो जाएगी ना, कि चारित्र भ्रष्ट को मुक्ति, सिज्जंती चरी भट्टा, तो अपने को ऐसा लगता है कि चारित्र भ्रष्ट की तो मुक्ति हो जाएगी। चारित्र भ्रष्ट की मुक्ति का मतलब ये कि जब वो उस चारित्र की भ्रष्टतम स्थिति से निकलेगा, क्योंकि सम्य दर्शन है, सम्य दर्शन से नहीं गिरा है, चारित्र से गिरा है, तो वापस चारित्र की स्थिति में आरूढ़ होगा तो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। और यदि उस चारित्र भ्रष्ट की चारित्र भ्रष्ट स्थिति का अगर अंदर में पक्षपात आया तो मेरे से ही हुई है क्या ऐसी गलती, बहुत लोग हो गए हैं पहले जिनने ऐसी ऐसी गलतियां की है ना। माने पहली बात तो भले ही दर्शन आपका सुरक्षित है
लेकिन चारित्र से भ्रष्ट तो हो, चारित्र से भ्रष्टता तो हुई है, चरिय बट्टा तो हुए हो, तो चारित्र भ्रष्ट की उस स्थिति को खेदजनक स्थिति मानने के बदले कुछ अन्य चारित्र भ्रष्ट लोगों के उद्धरण देकर अपनी चारित्र भ्रष्टता की सिद्धि चारित्र भ्रष्ट नहीं रहने देगी, वो दर्शन से भ्रष्ट करेगी। ये समझ लेना, चरित्र भ्रष्ट की अपने अब दूसरों की बात नहीं, अपने को चरित्र में कोई दोष लगा, दोष को दोष समझोगे तो दोष का अभाव करके वापस निर्दोष दशा में छलांग लगा जाओगे, है ना। लेकिन मैंने की है क्या ऐसी गलती, ऐसे तो उनके भी हुआ था, ऐसा उनका भी हुआ था। हम क्या करते हैं कि जो दो भाइयों में लड़ाई होती है ना, दो भाइयों में लड़ाई हो गए और कोई समझा, अरे तुम कैसे, किस खानदान के तुम हो और भाई भाई आपस में लड़ रहे हो, तो हमको क्या उपदेश दिया जाता है पता है, कि आपको पता नहीं है भरत और बाहुबली आदिनाथ भगवान के पुत्र थे और वो लड़े थे, और एक एक युद्ध नहीं भाई साहब, तीन तीन युद्ध लड़े थे। और भरत चक्रवर्ती की स्थिति तो देखो कि तीनों युद्ध हारने के बाद बाहुबली पर चक्र चला दिया। हम इतना तो नहीं कर रहे, अब इसको कौन समझाए बोलो। भाई साहब उनका तो चारित्र का दोष था और उसी भाव में उन्होंने उस चारित्र के दोष का अभाव करके मुक्ति श्री का वरण कर लिया। लेकिन हम अपनी युद्ध की, अपनी लड़ाई का पोषण भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के युद्ध से उसका पोषण करके अनंत काल तक भी दर्शन भ्रष्टता से नहीं बच पाएंगे, है ना। जब ये कहा जाता है, अनेक प्रकार के पवित्र जीवन की प्रेरणा दी जाती है, तब इस अज्ञानी का तर्क होता है कि साहब इतनी बातें क्यों करते हो, शेर को जिस समय समय दर्शन हुआ था कैसे हुआ था जरा हमें बताओ, वो तो हिरण को फाड़ के खा रहा था, हम मांसाहार थोड़ी करते हैं। तब मैं एक बात कहता हूं उनसे, शेर की पर्याय में होगे तो तुम्हें भी हो जाएगा, सम्यक दर्शन तुम्हें शेर का चाहिए और सुविधाएं मनुष्य जैसी चाहिए, यह नहीं चलेगा। समझा गया, वो हिरण फाड़ करके खा रहा था और मुनिराज को देख करके, उनका उपदेश सुनकर के उनको सम्यक दर्शन हो गया, ये बात सुनकर के क्या हम अपने जीवन में स्वच्छंदाचार का पोषण करेंगे, कि हमें उस शेर की परिणति के प्रति बहुमान आना चाहिए, कि अरे रे क्षण भर पहले का तीव्र हिंसा के परिणाम में लिप्त वो जीव मुनिराज की वीतराग मुद्रा देखकर अपने परिणामों में उस पाप का पश्चाताप ला करके, मुनिराज की दिव्य देशना सुन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मैं तो उस जैसा पापी नहीं हूं। हमें ये क्यों नहीं भाव आता, हमें ये क्यों भाव आता है कि शेर भी तो ऐसा कर रहा था, अगर हमारा जीवन भ्रष्ट श्रष्ट है तो क्या फर्क पड़ता है, सम्यक दर्शन के लायक नहीं बचेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, जब भोगों की वगैरह की बात आती है तो अपन लोग क्या बोलते हैं, किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, आचार्य कहते हैं, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, है ना, कि ये निवृत्ति का मार्ग है, निवृत्ति लो, बाहर से अपने को समेटो और अपने अंतर में जाने का प्रयत्न करो। तो अपन किसका उदाहरण देते हैं, भरत चक्रवर्ती का, क्या बात करते हो साहब, अरे भरत चक्रवर्ती ने जीवन भर छह खंड का वैभव होगा, है ना, हर काम फटाफट किया भरत चक्रवर्ती ने, इधर मुनि दीक्षा ली, इधर केवल ज्ञान हुआ, हमको इतना इतने प्रतिबंधों में क्यों मानते हो, हमें भी दुनिया का आनंद लेने दो,
है ना, हम भी अंतिम समय में, है ना। देखो भाई, भरत चक्रवर्ती के जीवन के दो पहलू हैं कि चक्रवर्ती पद में रहे और मुनि दशा अंगीकार की तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लेकर के जगत के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि संयोगों के बीच में रहकर के भी वो संयोगों से कैसे निर्लिप्त थे। हमारी तो शुरुआत भोगों के पोषण के लिए, यदि हमने भरत चक्रवर्ती के उदाहरण को लिया, भरत चक्रवर्ती के चरित्र का दोष भरत चक्रवर्ती को तो भारी नहीं पड़ा। ध्यान से सुनना भाई, क्या कहा, भरत चक्रवर्ती का चरित्र का दोष भरत चक्रवर्ती को तो भारी नहीं पड़ा, लेकिन उनके चरित्र के दोष को अपने भोगों के पोषण के लिए यदि हमने प्रयोग किया तो उनका दोष अपने पर इतना भारी पड़ेगा कि हम दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि भरत चक्रवर्ती का भोग पक्ष तो हमने देखा और उसके माध्यम से हमने अपने भोगों की पुष्टि की, लेकिन भरत चक्रवर्ती का योग पक्ष किसने देखा? बोला, क्या हमें यह परिणाम आया कि अरे जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव के बीच रहकर के भी जलते भिन्न कमलवत ऐसे निर्लेप रहे कि मुनि दशा अंगीकार करते ही केवल ज्ञान ले लिया। अरे कदाचित मुनि दशा के बिना केवल ज्ञान होता तो शायद भरत चक्रवर्ती को वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुनि दशा के बिना केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए मानो भरत चक्रवर्ती का केवल ज्ञान इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब भरत चक्रवर्ती मुनि बने और कब मैं इनको वरण करूं। ये क्यों नहीं परिणाम आता? ये इस बात का परिचायक है कि हमारी रुचि की दिशा किधर है। तो उनके उन्होंने तो अपने चरित्र के दोष को दोष समझा और हमने उनके चरित्र के दोष को क्या किया, अपने दोषों के पोषण में निमित्त बनाया। तो हमारे लिए देखो, दोष होना वो तो चरित्र का दोष है, ध्यान से सुनना, और दोष का पोषण होना वो श्रद्धा का दोष है। ज्ञानी को चरित्र का दोष होता है, ज्ञानी को श्रद्धा का दोष नहीं होता। यानी ज्ञानी की भूमिका में दोष हो सकता है, दोष का पोषण कभी नहीं होता। और हम लोग ज्ञानी के जीवन से बहुत सारे उदाहरण है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, है ना, और वो पति की पत्नी से कहते जाओ तुम, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब 7 फेरे लिए थे तो कौन सा वचन लिया था? पहला वचन क्या था? सबको याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो वो क्या कहते हैं कि सीता जी ने नहीं छोड़ा था अपनी पत्नी को। अरे भाई साहब, सोचो, मैं एक एक उदाहरण पर अगर आप विश्लेषण करोगे तो आपको पता लगेगा कि ज्ञानियों के दोष चारित्रिक दोष थे, श्रद्धा की विपरीतता नहीं थी। और हमने उनके चरित्र के दोषों का अनुकरण करके श्रद्धा की विपरीतता खड़ी कर ली। इसलिए यह बिंदु कि ज्ञानी अपने चरित्र दोष को दोष समझते हैं, इसलिए वो चरित्र में वापस स्थिरता करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अरे कदाचित चरित्र से गिर करके भी चारित्र दोष में आ गए, गिर गए। समाधि मरण का प्रसंग होता है, भगवती आराधना का कवच अधिकार पढ़ना, गुरुदेव श्री तो बहुत वर्णन करते कि समाधि मरण का प्रसंग हो और किसी भावलिंगी संत की समाधि चल रही हो, 3 कसाय चौकड़ी का अभी अभाव नहीं हुआ है, विसंयोजना हुई है। होता है ना, कसाय कन्वर्ट होती है ना, तो ऐसे बोलते हैं अपन, जो भी है। खैर, अब देखो, अब वो मुनिराज
भावलिंगी संत हैं, जीवन भर आत्मा की साधना और आराधना की है। 48 मुनिराज, उन मुनिराज की समाधि में निर्यापक आचार्य होते कि नहीं होते, भगवती आराधना में पढ़ा है ना, अलग अलग मुनिराजों की अलग अलग ड्यूटी होती है। ये मुनिराज संबोधन करेंगे, ये फलाना करेंगे, ये वही सबका जो भी वो पूरा सिस्टम है उसका एक। अब एकदम उन मुनिराज को आहार का तीव्र विकल्प आ गया। भाई साहब संयुक्त ये स्वरूप है, एकदम तीव्र विकल्प आया, भोजन का विकल्प आया। दूसरे मुनिराज भोजन दिखाकर, श्रावक रहते हैं ना, दिखाकर उनसे कहते कि हे मुनिराज, अनंत काल से अनंत बार अनंत भोजन करके भी क्षुधा की तृप्ति नहीं हुई है, और इस समय समाधि का अवसर है, तुम्हारी नैया सारा समुद्र तैर करके किनारे आ गई है, अपने थोड़े से विकल्प के कारण किनारे लगी हुई नाव को डुबो मत, और इस आहार के विकल्प को त्याग कर चैतन्य के अतिंद्रिय आनंद को चखो, अनंत काल की तृप्ति तो उससे ही मिलने वाली है। और एकदम मुनिराज ने अरे ऐसा विकल्प, और एकदम उस विकल्प की वृत्ति को तोड़ा। अभी भावलिंगी संत है, ध्यान से सुनना, अभी भावलिंग से गिर नहीं गए। हम लोग भी कभी कभी क्या है, हम लोग भी समझते हैं ऐसा विकल्प आ गया तुरंत, अरे वो विकल्प एक निश्चित काल तक चल जाए तो गुणस्थान गिरता है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत विकल्प आया फटाक से गुणस्थान गिर गया, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई ऐसा विकल्प आए और गुणस्थान बना ही रहे, वो सब मर्यादाएं हैं हर चीज की। एकदम उस विकल्प को तोड़कर अतिंद्रिय आनंद की मस्ती में चले जाते हैं। पानी का विकल्प आया, हे मुनिराज अनंत भवों में अनंत समुद्रों का जल पीकर के भी जो प्यास नहीं बुझी वो इस एक गिलास पानी से क्या बुझेगी। तुमने तो आत्मा का स्वरूप जाना है, जीवन भर उस आत्मा की साधना और आराधना की है, इस समय आराधना की परीक्षा का काल है। होता है कि नहीं होता, साल भर पढ़ाई की हो और एग्जाम के टाइम पे चक्कर आ जाए, परीक्षा भवन में चक्कर खा के गिर जाए, पेपर नहीं देवे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं है, उसी क्लास में दोबारा। ठीक है, अब वो है कि मैं तो साल भर पढ़ा, अरे साल भर पढ़ा था लेकिन अंतिम पेपर में तो कुछ नहीं लिखा। तो जीवन भर साधना की आराधना की और समाधि के काल में यदि ऐसा विकल्प आया और उस विकल्प को तोड़ करके यदि वापस निर्विकल्प स्वरूप में नहीं गए तो खत्म हो गया काम। मुनिराज संबोधन करते हैं, इस जल की वृत्ति का विकल्प तोड़ो और अपने चैतन्य के शांत जल का पान करो, और उसी क्षण वे मुनिराज भी उस विकल्प को तोड़कर तुरंत आत्मा के अतिंद्रिय आनंद में चले जाते हैं। देखो चारित्र का दोष तो आया लेकिन तुरंत धुल गया। किसी को चारित्र का दोष आवे, धुलने में थोड़ा टाइम लगे, गुणस्थान भले ही गिर जावे, चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं गिरे तब तक दर्शन भ्रष्ट नहीं है। क्या होगा, फिर चढ़ जाएंगे। ये नहीं कहना है इसमें कि चारित्र भ्रष्ट सीजता है, क्या कहना है कि चारित्र भ्रष्ट सीज जाता है। आगे अंतर समझ आएगा नहीं आएगा कुछ, आया अंतर समझ में कि चारित्र भ्रष्ट सीजता है, ये नहीं कह रहे हैं
लेकिन यदि दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुआ है और चारित्र से भ्रष्ट हुआ है तो चारित्र भ्रष्टता की उस स्थिति को अति अल्पकाल में विसर्जित करके वापस चारित्र में आरूढ़ हो जाएगा और मुक्ति श्री का वरण कर लेगा। ये कहकर के आचार्य क्या कहना चाहते हैं, ये कहकर के ये कहना चाहते हैं कि भाई कम से कम श्रद्धान से भ्रष्ट तो मत होना। ये कहकर के कोई हमें चारित्र भ्रष्ट का लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। क्या कहा, लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन कदाचित हमारे परिणामों की स्थिति इतनी मजबूत ना हो कि हम चारित्र दशा को अंगीकार कर सकें, तो भले ही चारित्र दशा का अंगीकार ना हो लेकिन चारित्र दशा का आदर और चारित्र दशा की भावना पूर्वक यदि हम सम्यक दर्शन में दृढ़ रहे तो चारित्र दशा आने में हमें अनंत काल नहीं लगेगा। लेकिन दो बातें, चारित्र भ्रष्टता की अनुमोदना नहीं, चारित्र भ्रष्ट जीव मतलब कोई जीव चारित्र से भ्रष्ट हो गया हो तो उसका उदाहरण लेकर अपने हीन परिणामों का पोषण नहीं, और जो चारित्र भ्रष्ट हैं और दर्शन से भी भ्रष्ट हैं लज्जा से गौरव से भय से आशा से स्नेह से उनके चरणों में कभी वंदन करना नहीं। क्यों, क्योंकि द्रव्य भ्रष्ट के वंदन से उस दशा के प्रति अनुमोदना का महापाप लगता है जिसमें मिथ्यात्व के पोषण का महादोष खड़ा हुआ है। समझा, ये सारी बातें आचार्य कुंद ने इस दर्शन पावर में कही है। शेष चर्चा आगे की सोचते हैं।